श्री राम जन्मभूमि परिसर हाईकोर्ट और सचिवालय का सुरक्षा कवच हुआ और मजबूत। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ और सचिवालय की सुरक्षा का कवच और मजबूत किया गया है। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह ने सुरक्षा मुख्यालय परिसर से शनिवार को 7 BDDS बम डिस्पोजल तथा डिटेक्शन स्क्वाड तथा 2 नए AS चेक एंटी सैबोटेज चेक टीमों को औपचारिक रूप से फ्लैग ऑफ किया गया। इसकी मदद से महत्वपूर्ण स्थलों, महानुभावों तथा वृहद आयोजन स्थलों की सुरक्षा की जा सकेगी। इन टीमों का कार्य संपूर्ण स्थल की गहन जांच कर छिपाए गए विस्फोटक पदार्थ का पता लगाकर उसे निष्क्रिय करना है। ADG सुरक्षा ने बताया कि प्रदेश पुलिस में सर्वप्रथम वर्ष 1987 में 5 BDDS का गठन किया गया था। इनमें अंतिम विस्तार वर्ष 2010 में हुआ था। तब से प्रदेश में 26 BDDS तथा 61 AS चेक टीमें कार्यरत हैं। वर्तमान सुरक्षा संबंधी चुनौतियां तथा अति विशिष्ट एवं विशिष्ट महानुभावों के निरंतर भ्रमण कार्यक्रमों के दृष्टिगत 5 नवीन BDDS तथा 10 AS चेक टीमों के गठन के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। शासन की स्वीकृति मिलने पर इन टीमों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों को खरीदा गया। उन्होंने बताया कि इन टीमों का NSG मनेसर हरियाणा तथा CRPF ट्रेनिंग सेंटर पुणे से प्रशिक्षण कराया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में BDDS के संचरण हेतु वातानुकूलित बसें उपलब्ध नहीं थी, जिससे श्वानों को परिवहन में समस्या होती थी। बीते 2 वर्षों में सभी 31 BDDS टीमों के परिवहन के लिए वातानुकूलित बसें उपलब्ध करा दी गई हैं। इन 5 नवीन BDDS को सचिवालय, उच्च न्यायालय लखनऊ, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, कमिश्नरेट वाराणसी तथा 30वीं वाहिनी PAC गोंडा में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या के लिए 2 BDDS को भी विशेष ब्रीफिंग के बाद भेजा गया है। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में नियमित चेकिंग के लिए 2 नवीन AS चेक टीमों को भी प्रशिक्षण के बाद अयोध्या भेजा गया है।